हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने जन्मदिन की थोड़ी सी झलकी दिखाऊंगी, मेरा और कान्हा का जन्मदिन, तो उसी की आज हम थोड़ी सी झलकी देखेंगे। और इस बर्थडे पर मुझे सबसे स्पेशल जो गिफ्ट मिला है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। पिक तो खैर आप देख ही चुके हैं, मैं पहले दिखा चुकी हूँ, बट आज आपको उसकी थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगी मैं अपने जो मुझे आज अनमोल तोहफा मिला था, मतलब मेरे बर्थडे पर। तो चलिए पहले सबसे पहले हम तैयारी देख लेते हैं। तो ये सुबह सुबह हम 5:30 बजे करीब निकल चुके हैं फूल मंडी और सजाने के लिए, फूल वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने सभी भगवान का स्नान कराया, उन्हें तैयार किया। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं जो बीच पे गोपाल जी बैठे हुए हैं, और ये हमारे युगल सरकार। तो माफ़ कीजिएगा, मैं तैयार करने की वीडियो आपके साथ पे नहीं शेयर कर पाई हूँ, और श्रृंगार वीडियो भी मैं आपको ये थोड़ी सी झलकियाँ पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो बहुत ही सुंदर जो है इसमें हमारी राधा रानी और हमारे कृष्णा जी का श्रृंगार जो है उभर कर आया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और नटखट कान्हा को देखिए किशोरी को छेड़ते हुए, तो बहुत ही सुंदर जो है हमारे कान्हा का। सबसे पहले मैंने श्रृंगार किया, सभी का श्रृंगार किया, और यकीन मानिए मुझे इतना टाइम लग गया था कि बहुत ही ज़्यादा, और वीडियो बनाने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अब हम चलते हैं नीचे। तो मेरे लिए ये आ गया है गिफ्ट, और इतना तो मुझे पता था कि इस गिफ्ट में क्या है, बट इतना नहीं पता था कि साइज़ क्या है। और तो जो मैं शॉक हुई थी ना देखकर, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैं आरती उतार रही हूँ, और ये मेरे बेटा है, ये लेकर आया था, और हस्बैंड पीछे ही खड़े थे, तो अब उसने लाकर यहाँ बैठा दिया है। तो इसमें हमारे आए हैं गोपाल, तो इनका नाम गोपू रखा गया है। और उसी दिन क्योंकि मेरा भी जन्मदिन था, तो उसी समय उनकी पंचामृत अभिषेक किया और उनकी स्थापना उसी दिन कर दी है, यानी कि 17 मार्च को ही उनकी स्थापना भी हमने कर दी थी पंचामृत से अभिषेक करा के। तभी थोड़ी देर में ही उनकी पोशाक बनी, मतलब सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि समझ भी नहीं आया। और ये बिना आई मेकअप के आए थे, तो बेटी ने जल्दी से उनका आई मेकअप किया, मैंने उनकी पोशाक बनाई, और उसके बाद में ये जो फाइनल डेकोरेशन है, क्योंकि आज होगा कीर्तन, तो कीर्तन के लिए ये फाइनल डेकोरेशन आप देख सकते हैं। 3 झूले लगे हुए हैं, तो तीनों झूलों में हमारे लड्डू गोपाल हैं और किशोरी हैं, और साइड में हमारे जो हैं गोपू नए, और हमारा कीर्तन शुरू हो चुका है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट जन्मदिन था, शायद ही ऐसा होगा, इतना अच्छा जो है मुझे उपहार मिला। और अब हमारा कीर्तन हो चुका है शुरू, और उसके बाद कीर्तन समापन के बाद तो कुछ इस तरह से हमारे कीर्तन हुआ, उसका समापन हुआ। हमने फूलों से होली भी खेली, उन्हें झूला भी झुलाया, सभी ने हिंडोला भी झुलाया। तो वो झलकियाँ आप बेटी के चैनल पर देख सकते हैं महिमा ब्लॉग्स में, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चैनल पर विज़िट करना चाहें तो आप वहाँ कर सकते हैं और जन्मदिन की झलकियाँ वहाँ देख सकते हैं। और कीर्तन के बाद हम लोग आ गए हैं इस्कॉन मंदिर, तो सोचा कि आज ठाकुर जी के भी दर्शन कराते हैं। इस्कॉन मंदिर आए हैं, वहाँ पर दर्शन किए, बहुत ही अच्छा समय बीता इस्कॉन मंदिर में भी। और घर आने के बाद में फिर हमने साथ में मिलकर केक काटा, तो केक भी आप देख सकते हैं कि माखन से भरा हुआ जो है ये केक है, मैंने और मेरी सासू माँ ने मिलकर ही हमने केक काटा था। तो सब मुझे भी बर्थडे विश कर रहे हैं, और
कान्हा और गोपाल को भी बर्थडे विश करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।